दोस्तों, जहाँ पर ये पहुँचे हैं इसके जस्ट यहीं पर ही टाइगर बैठा था, और जिस तरीके से ये चल रहे हैं उसी दिशा की ओर टाइगर गया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पेज पर जो वीडियो है उसको देखें। जम मारी गई 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 वापस। एक और आई है, चौथी है ये। हमें मिला है यहाँ पर काकड़। ये हिरण की सबसे छोटी प्रजाति है। वैसे तो माउस डियर है, लेकिन अभी माउस डियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इसी को सबसे छोटी प्रजाति मान सकते हैं। ये शायद फीमेल काकड़ है। ये है स्टॉर्क बिल्ड किंगफिशर। इसका नाम इसलिए स्टॉर्क रखा गया है क्योंकि इसकी जो चोंच है वो सारस जैसी दिखती है। दोस्तों ये देखिए, लेफ्ट हैंड पर कुछ लोग हैं और राइट हैंड पर देखिए हिरन। जहाँ पर हिरन होगा वहाँ टाइगर भी हो गए होगा। कितने बेखौफ लोग चलते जा रहे हैं। और यहीं पर टाइगर भी घूमता है। देखिए ग्रासलैंड कितना बड़ा है, टाइगर कहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ पर ये डियर्स होंगे वहाँ टाइगर भी होगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहीं पर हमें टाइगर भी दिखाया है, और टाइगर अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ता है। बेखौफ लोग चलते जा रहे हैं। दोस्तों जहाँ पर ये पहुँचे हैं इसके जस्ट यहीं पर ही टाइगर बैठा था, और जिस तरीके से ये चल रहे हैं उसी दिशा की ओर टाइगर गया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पेज पर जो वीडियो है उसको देखें। इतना रिस्क, इतना बड़ा रिस्क। जहाँ पर ये जा रहे हैं ना वहाँ पर अभी डियर्स ने कॉल भी करी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि टाइगर यहाँ पर है। बस होप सो कोई दुर्घटना ना हो। अरे अंदर ही जा रहे हैं यार ये तो। अरे भाई यार, घास काटने के लिए भी इतना रिस्क है। घास काटने जा रहे हैं या शॉर्टकट मार रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाथ में डंडा हुआ है नहीं इनके, डायरेक्ट है यार ये तो, डायरेक्ट चल रहे हैं। कमाल है यार, कमाल है। देखना पूरा जंगल ही जंगल है, हिरन ही हिरन टहल रहे हैं, मोर टहल रहे हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी हैं, हर चीज़ है, प्रॉपर जंगल है। जहाँ टाइगर है वहाँ सब है। ये जिम कॉर्बेट का जंगल है और लोग इतने आराम से बेखौफ चलते जा रहे हैं। और जिस साइड ये जा रहे हैं उसी साइड पर अभी हिरन भी बोल रहे थे। मैं आपको ऐसे चलते चलते देखिए हिरन दिखाता हूँ। अभी हिरन का पूरा ग्रुप है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखिए कितने सारे डियर्स हैं, और उन्होंने महसूस कर लिया है कि इंसान है। देखो हिरन दौड़े, वो दौड़ते जा रहे हैं। कुछ तो बात है, कुछ तो है यहाँ पे। ये इंसान की खुशबू आ गई ना, इंसान की खुशबू आ चुकी है, स्मेल जो है ना। हाँ ये इंसान को ये देखें, पूरा ग्रुप है जंगल की ओर जा रहा है। जहाँ पर इतने सारे डियर्स हों
वहाँ पर टाइगर का होना लाजमी है, और इतना बड़ा रिस्क होने जा रहा है ये, जिसकी कोई इम्तिहान ही नहीं है। ये देखिए लोग यहाँ पैदल चल रहे हैं, और यहीं पर आपको डियर्स दिखाई देंगे। इसको क्या बोलेंगे आप, ये मौत को बुलावा देना है। ये देखिए भागना शुरू हो गए, क्यों इंसान बेखौफ होकर चलते जा रहे हैं। ओहो हो, इंसान और हिरन एक ही फ्रेम में कैसे भाग रहे हैं। ये लापरवाही का एक बहुत बड़ा नमूना है। पूरी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। अब जो आपने वीडियो देखी थी स्टार्टिंग में, जो कॉल हो रही थी और हिरन बाहर निकलकर आ गए थे अपने सेफ साइड में, अब उनको मजबूरन वहाँ जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर इंसान आ चुके हैं। और अब देखते हैं वहाँ टाइगर क्या करता है डियर्स के साथ। हो सकता है कि वहाँ पर टाइगर को एक शिकार मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप हिरन का गया है जंगल के अंदर, और ग्रासलैंड में ये टहल रहे हैं, पूरा ग्रासलैंड क्रॉस कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कोसी नदी के किनारे क्या सुंदर नज़ारा मिला है। एक सुंदर पक्षी जिसका नाम है क्रेस्टेड किंगफिशर, जो कि अभी डाइव मार के आपके सामने गया है। तो एक और पक्षी आया है देखिए कोसी रिवर के किनारे, यह है वाइट कैप रेड स्टार, जो कि नदी के किनारे ही रहना पसंद करते हैं। जैसे कि अभी मैंने दिखाई आपको किंगफिशर, वो भी नदी के आसपास मंडराती रहती है। इनको जो खाना मिलता है वो नदी में ही मिलता है, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े, मछली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किंगफिशर तो मछली खाती है या कुछ और भी खा सकती है, ऐसा नहीं है। ये जो है छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। ये है वाइट कैप रेड स्टार, बहुत ही सुंदर बर्ड है ये। यह है एक मॉन्की जो कि रोड क्रॉस करेगा शायद, एरिया बहुत रिस्की है ये। ये देखिए उसने बाइक आते हुए देखी और अपना रोड क्रॉस कर लिया। देख आराम से जाएगा यार। ये ग्रासलैंड देख रहे हैं आप लोग। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो दिल दहलाने वाली है, बने रहिए। ये देखिए धीरे धीरे जूम होते हुए मैं कहाँ पहुँच गया। यहाँ पर एक महिला घास काट रही है। और भी हैं। हाँ किस साइड है वो? अच्छा सीधे हाथ पे हाथ में ही है। ये देखिए राइट हैंड पर कोने पर देखिए आप, और भी लोग हैं और ये यहाँ पर घास काट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं और ऐसी घास मिलेगी ही नहीं। और भी हैं, आगे भी हैं यार, ये तो पूरे ग्रासलैंड में फैले हुए हैं भाई। और मैं आपको बता दूँ ये टाइगर की कोर टेरिटरी है, यहाँ पर अभी टाइगर दस्तक देगा। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ग्रासलैंड है और आप देखिए ये लेफ्ट हैंड पर मैंने कैमरा स्टॉप नहीं कराया, और देखिए हिरन है रूप में। ये हिरन देखिए कितनी तेज भाग रहे हैं, पूरे ग्रासलैंड में हिरन हिरन है। और यहाँ पर ये भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंसानों ने दस्तक दे दी है और वो घास काट रहे हैं, हिरन भाग रहे हैं। ऐसे में हिरन कहीं टाइगर के पास ना पहुंच जाए।
यहाँ कछुआ लेटा हुआ है, ये देखिए कुछ खाया है। बहुत बड़ा कछुआ है यार, बहुत बड़ा है, जब पानी में इतना दिख रहा है हमें। हाँ कितना हुआ है, हम तो इसे मगरमच्छ समझ के बैठ गए थे। वही तो है ना, उसका मुंह इतना लग रहा है जैसे कि वो होगा। हिमालयन गोरल पे निगाह रखो, गोरल दो दो हैं, एक तो पानी के पास है और एक चट्टान पे चल रहा है। बाप रे कहाँ है ये, देखो तो, देखिए हिमालयन गोरल वहाँ पर है, ये पानी पीने नीचे की तरफ आएंगे। अब ये देखें कि चट्टान, देखें कितनी सीधी चट्टान है, और हिमालयन गोरल आपको दिख भी नहीं रही होगी, जब मैं जूम करके दिखाऊंगा तब आपको दिखेगी। नीचे पानी है, रामगंगा रिवर है, और ये सीधी चट्टान, उसमें जो लगी घास है उसको खाने के लिए आती है ये हिमालयन गोरल। देखिए कहाँ पर है, सोचें आप, अभी गिरते ऐसा लग रहा है कि हमें गिरते गिरते बची, लेकिन इन चट्टानों पर ये दौड़ती हैं, हमने रिकॉर्ड भी किया उनको दौड़ते हुए। और पानी वाली जो हिमालयन गोरल है उस पर निगाह रखेंगे हमारे छोटे भाई, साथ ही साथ कछुए पर भी निगाह रखनी है। आज तो दो काम है, मगरमच्छ अभी तक दिखा नहीं है हमें। वाओ इतनी सी जगह पे कितनी सारी वाइल्ड लाइफ है ना, और क्या, एक ही जगह खड़े होकर हम इतनी सारी वाइल्ड लाइफ को हम देख पा रहे हैं। ये देखिए नीचे की तरफ आ गई है, ये देखे यार यहाँ से भी हो सकता है भाई। देखिए अब अच्छी खासी दूर है हमसे, और एक और जो थी वो कहाँ है, वो वहाँ पर है, एक बीच में कहीं पर देखता हूँ। वो बच्चा तो नहीं है तो, नहीं बच्चा तो उसके साथ था। अब मुझे डाउट है कि ये यहाँ पर पानी पियेंगे और यहाँ पर ही आएगा मगरमच्छ। देखो नीचे की तरफ उतर रही है, बराबर काफ़ी नीचे आ गई है, देखिए पानी यहाँ पर है, यह पानी, ये हिमालयन गोरल आ चुकी है। देखिए नीचे, क्या पता मगरमच्छ यहाँ हो, अभी बन नहीं पाएगी अभी भाई। अभी नीचे की तरफ धीरे 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 पानी पीने के लिए उतरेगी तिरछी। उस दिन तो रह गया था, देखो पानी के पास आ रही है। तो फिर ऊपर को जा रही है, पानी तो यहाँ है। वाह वाह वाह, दौड़ी दौड़ी हमने कहा था ना, यहाँ हिमालयन गोरल हमने दिखा रखी है, अचानक से दिखी, इसकी वीडियो बन रही है। मगरमच्छ अभी तक नहीं दिखा है, दिक्कत रहती है इसमें भी। इसमें अच्छा लग रहा है, देखो ना पता लग रहा है कि हाँ वो कहाँ चल रही है। दिख गई मुझे कहाँ पर है वो, ये क्या करना चाह रही है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। अरे सब चले चले जाते हैं, देखो तुम मारेगी जंप, नहीं मारी यार, देखिए चलते चलते जा रही है, घास खाती जा रही है। यार ऐसे वाले में फ्रेम अच्छा आ रहा है, नीचे पानी, ऊपर हिमालयन घोरल, नीचे इंतजार करते हुआ मगरमच्छ। क्रोकोडाइल पे फोकस कर रहे हैं और लेपर्ड आ गया, आ भी सकता है, आ गया ना तो यहाँ जबरदस्त एक वो जंग देखने को मिलेगी, बहुत जबरदस्त, दोनों चट्टान के माहिर खिलाड़ी हैं, मतलब एक अच्छा चेज मिलेगा। जंप मारी गई 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 वापस, ओ ये हाथ जहाँ एंगल पे टिका हुआ, ओ भाई जंप, रेंदे 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 भी रेंदे, काटने थे चींटियों को भी, इसकी दौड़ दिखानी है मुझे भाई, बहुत बुरा काटा है चींटी ने हाथ पर, मेरे दर्द हो रहा है। अभी दिखेंगे, अभी हरे में आई वो देखो नीचे, ये है वाओ, कहाँ कहाँ छिपी बैठी है, देखो ये दूसरी वाली है, तो एक तो नीचे की तरफ गई फिर वापस आ गई बंदरों के डर से, वो वहीं बिल्कुल शांत होकर खड़ी हो गई है। कछुआ अपना काम कर रहा है, वो खा रहा है पानी में ना, काफ़ी बड़ा कछुआ है, अगर बाहर निकलेगा तो बहुत बड़ा कछुआ है यार। और ये मगरमच्छ की टेरिटरी में रह सकते हैं कछुए, क्या भाजा कहाँ से आया एकदम, लेकिन दिखा था हमें पिछली बार भी दिखा मुझे साथ, तो रह सकते हैं क्योंकि उनका ऊपर का खोल होता है ना, मगरमच्छ खोल थोड़ी खा लेगा, इनकी जो बाइट होती है ना, लेकिन बाइट इनकी भी होती है सबसे ज़्यादा,
ये तो टेंशन वाली बात हो गई, हमारे सब्सक्राइबर जवाब देंगे इसका। कछुआ मगरमच्छ की टेरिटरी में रह सकता है नहीं रह सकता, जो कि एक एग्जांपल है, हमने दिखाया है रह रहा है। बाकी आप बताइए कि ये बहकर आया है या यहीं रहता है। मेरे हिसाब से रह सकते हैं उनका ऊपर खोल की वजह से, ऊपर का जो कवर है स्ट्रक्चर है वो, ये चलने में लगी है, एक बिल्कुल शांत हो गई है, दूसरी तो बिल्कुल ही शांत खड़ी। देखिए जहाँ खड़ी थी इतनी देर से, मैं दिखाता हूँ वहीं की वहीं खड़ी हुई है। देखें अब ये पानी और वो खड़ी है हिमालयन घोरल, ये बच्चा है शायद यार। देखिए एक तो वहीं के वहीं बिल्कुल खड़ी हुई है, दूसरी अब जाएगी उसके पास। अरे वो बच्चा है पीछे वाला जो है, लेकिन यार वही तो खतरा है उसके लिए, अगर वो पानी पीने की कोशिश करी तो फिर उसके लिए खतरा ही हो जाएगा। नहीं ये जो इसके साथ है माँ के साथ जो है ये है बच्चा। हाँ वो दूसरी आई है, वो उधर साइड से निकल कर आई है जंगल से। उसका नाम है की है, हिरण है हिमालयन घोरल। अरे भाई हमने ना देखा भाई, देखियो देख के दिखाऊंगा और ना हो देवारी फीमेल है। एक और आई है चौथी है ये, और जिस दिन हमें लास्ट टाइम जब हमें हिमालयन घोरल यहाँ मिली थी तब हम मगरमच्छ नहीं दिखा था, मगरमच्छ इसलिए नहीं दिखा था क्योंकि वो घात लगा कर बैठा था। आज भी कुछ ऐसा ही है कि मगरमच्छ नहीं दिखाया अभी तक, और एक हिमालयन घोरल पानी पीने के लिए तरस रही है, मैं दिखा दूँगा आपको। वो देखें आप, एक घंटे से उसी जगह पर टस से मस नहीं हुई है, इधर से उधर देखने में लगी है। मुझे लगता है कि मगरमच्छ वहाँ है उस किनारे पे, इसलिए हमें मगरमच्छ नज़र नहीं आ रहा है, वो बैठा है खाद लगाकर इस हिमालयन घोरल के लिए। एक ही फ्रेम में आप बंदर और हिमालयन घोरल को देख पा रहे हैं, उसका बच्चा भी आसपास ही है इसके, दूसरा बच्चा वो है, माँ उसकी ये है नीचे। तो एक ही फ्रेम में मैं दो दिखा देता हूँ आप, वो देख सकते हैं कोने पर सीधे हाथ पर उल्टे हाथ पर, और तीसरा जो है एक और आया है मैं दिखा दूँ आपको, वो जा रहा है तीसरा, ये है ये आया तेज रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है ये हो गए तीन, वो देख रहे होंगे आप सेंटर में हिलते हुए, और चौथा जो है कहाँ गया वो, ये चार, इससे पहले भी हम दिखा चुके हैं पांच हिमालयन घोरल, चार अभी दिख रही हैं फिर से अगेन। क्या फ्रेम है यार, देख रहे हैं आप पानी के तड़प में ये खड़ा है यहाँ पर एक घंटे से, और नज़ारा कुछ ऐसा है आपके सामने, सीधी खड़ी चट्टान है जिस पर ये हिमालयन घोरल घूमती नज़र आ रही है। वाह ये बच्चा है और ये माँ है। हाँ दिख गई वही क्रेस्टेड है पाइड है, ये आके बैठी अब उसने थोड़ी सी मूवमेंट की है, एक घंटे बाद चल रहा है।
अब देखिए उसने एक घंटे बाद मूवमेंट करी है। क्या क्या रेट देना चाहिए?